Good morning, friends. This is your host Ashish Borua from Borua's Way. Today is 22nd July 2022. Currency pre-market analysis mein aap sabhi ka swagat hai. Before we start, please like the video as it inspires me to put more effort and make new, better and creative, effective content for you. Without further delay, let's begin. Dollar index abhi hai 106.95. कल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ लेकिन आपका 19th ऑफ जुलाई के लो के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया. ऑल्सो ये जो सपोर्ट लेवल है, दो सपोर्ट लेवल्स आपने डिस्कस किए थे, दो सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर नहीं पाया अभी तक. हमें इंतजार रहेगा फॉर फर्दर प्राइस एक्शंस. डॉलर रुपी आपका कल थोड़ा सा आफ्टर ईसीबी रेट डिसीशन जहां पे 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर चुका है एज एक्सपेक्टेड, जो हमने कल सुबह डिस्कस किया था. उसके बाद हमने देखा है कि रुपी में थोड़ा सा हल्का सा 20 पैसे का सॉफ्टनेस दिखा गया, बिकॉज ऑफ विच इट ट्रेडेड इन बिटवीन 180.06 ऑन द हायर साइड एंड 79.79 ऑन द लोअर साइड. अभी है 79.89. अभी हमें फर्दर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टनेस का कोई नामो निशान है नहीं. और आपका जब तक 14 जुलाई के रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये कंसोलिडेशन के पे ही पड़ा रहेगा. ऑलरेडी 5 दिन ये 14 जुलाई के रेंज के अंदर में ही प्राइस मूव कर रहा है. जीबीपी डॉलर कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया है, सम सॉर्ट ऑफ पिन बार हियर. हमें अभी इंतजार है इसका 1.2050 के ऊपर क्लोज देने का, तब जाके हल्का सा एक पॉजिटिविटी हम यहाँ पे देख सकते हैं. यूरो डॉलर में कल 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक किया है, बिकॉज ऑफ विच आपका ड्यूरिंग द डे ये हाई हुआ है 1.0278 और इज द लो वाज 1.0153. लेकिन आपका जो 19 जुलाई का हाई है उसके ऊपर क्लोज दे नहीं पाया, तो अभी हमें इंतजार रहेगा ये जो कैंडल है 19 जुलाई का रेंज हाई एंड लो, इसके ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा, तभी जाके एक मूव आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड हमें इंतजार रहेगा. डॉलर येन में हल्का सा सॉफ्टनेस दिखा गया, कल ये सेल ऑफ हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 138.87 एंड 137.30. फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन किया है. दैट डजंट मीन कि हम इमीडिएटली इसको सेल ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शंस देखना पड़ेगा एंड द इमीडिएट सपोर्ट जो है आपका 137.00 से 137.30 के बीच इमीडिएट सपोर्ट है. तो इमीडिएटली हमें इसको सेल नहीं करना है, हमें अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा मॉनिटर करना है. जीबीपी आईएनआर में कल एक पिन बार बनाया हुआ है, बट द लोकेशन इज नॉट ग्रेट बिकॉज इट इज हाफ वे. तो ये इट्स ए पॉज कैंडल एंड ऑल्सो जो 18 जुलाई का मदर कैंडल है इसके हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देगा एक अप मूव हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो सम सॉर्ट ऑफ साइडवाइज कंसोलिडेशन जब तक ये 18 जुलाई का मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ही रहता है. यूरो आइनर में यहाँ पर भी एक सम सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, प्राइस गॉट रिजेक्टेड ऑन द हायर साइड्स. तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका 19 जुलाई का मदर कैंडल है इसके रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा हमें अगर कुछ आइदर साइड मूवमेंट देखना है. तब तक ये मदर कैंडल के अंदर में 19 जुलाई के रेंज के अंदर में, दैट मींस आपका ऑन द हायर साइड 82.07 एंड ऑन द लोअर साइड 80.94, इसके रेंज के अंदर में ही चौपीनेस हमें देखने को मिलेगा. येन आईएनआर में कल एक अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.5753 एंड 0.5807. हमें अभी बेसिकली इंतजार है ये कंसोलिडेशन से बाहर होने के लिए, तभी तक एक अच्छा खासा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर किंडी कल एक सेल ऑफ हुआ है एंड स्पेशली ऑन द हायर साइड में काफी प्राइस गॉट रिजेक्टेड. बेसिकली 1.2936 हाई है एंड लो है 1.2859 एंड क्लोज्ड एट 1.2966. सो आपका 1.2936 से 1.2866 तक प्राइस रिजेक्शंस देखा गया है, तो हमें अभी इंतजार है 1.2800 का रेंज का एंड ऊपर में अगर ये कल का जो प्राइस रिजेक्शंस है दैट इज
0.2937 इसके हाई के ऊपर अगर आवर लेवल इस पे सस्टेन करता है तो एक अप मूव देखा जाएगा एंड लो के नीचे थोड़ा सा सेल ऑफ टुवर्ड्स 1.2800 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में क्या है, कल एक अच्छा खासा स्ट्रांग कैंडल देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6859 एंड 0.6936। दैट बीइंग द केस यहां पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा वो है 0.6990 एंड 7050। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इमीडिएट रेजिस्टेंस में हमें देखना पड़ेगा हाउ द प्राइस इज बिहेविंग हियर। डॉलर सीएनएच में आपका ये कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी जो ब्रेकआउट कैंडल है 14 जुलाई का जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके रेंज के बाहर निकल नहीं पा रहे। इसको अगर एक बढ़िया सा मूव देना है तो आपका ये जो 14 जुलाई का मदर कैंडल है इसके रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा, तो हमें इंतजार रहेगा इसका। यूके ऑयल कल आपका 105.20 के लो के नीचे, ये आपका 101.50 ट्रेड हो चुका है नीचे की तरफ। अभी यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स रहेगा जब तक आपका 107.8090 के ऊपर ये प्राइस एक्शन ऊपर नहीं रहता है। अभी भी देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की 96.50 से 97.00 की तरफ एक मूव देख सकता है लेकिन इमीडिएटली हमें सेल नहीं करना है, प्राइस एक्शंस को देख के हमें इसको सेल करना है ताकि सेल ऑप्टिक्स में कुछ प्रोबेबिलिटीज हमें ढूंढना है विद स्टॉप लॉस अबव 107.80 के ऊपर एज दिस स्टॉप लॉस में भी देर। अगर US 10-year treasury देखेंगे कल अच्छा खासा एक सेल ऑफ दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 3.081 एंड 2.871। तो डेट बीइंग द केस हमें इंतजार रहेगा आपका 26 एंड 27 जुलाई का फेड मीट का FOMC मीटिंग का जहां पे रेट हाइक का क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, हाफ बेसिस पॉइंट्स और 50 basis points और 75 basis points या क्या है and also the further guidelines क्या हो सकता है। और जब तक ये 3.1050 high swing high break नहीं करता है ऊपर की तरफ तब तक ये आपका safe है, choppiness थोड़ा सा कम रहेगा means uncertainties थोड़ा सा कम रहेगा and ये आपका lower high lower low formations में बरकरार रहेगा। और हमें next इंतजार रहेगा आपका ये आपका 5th-6th जुलाई के लो के नीचे दैट इज 2.7450 के नीचे क्लोज देगा तो ये फिर दोबारा कंटिन्यूशन की तरफ मूव करेगा। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, इट हेल्प्स आउट ग्रेटली। थैंक यू अगेन, दिस इज आशीष बोरवा फ्रॉम बोरवाज़ वे साइनिंग ऑफ।